जानिसार की लास्ट एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इमोशनल होने वाली है। कश्माला की तरफ से फराज को जो रकम उसके साथ मिलकर नौशरवां और दुआ की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए दी जा रही थी, सरफराज अब उसमें इजाफे का मुतालबा करेगा, जिस पर कश्माला उसे कहेगी कि तुम्हारे साथ जो रकम तय हुई थी उससे एक रुपया भी तुम्हें ज़्यादा नहीं मिलेगा। इस पर वो कश्माला को धमकी देगा कि अगर उसने उसकी बताई हुई रकम उस तक नहीं पहुँचाई तो वो जाकर नौशरवां को तमाम हकीकत बता देगा। जब कश्माला ये सुनेगी तो वो सरफराज को रास्ते से हटाने के लिए अपने आदमियों को कहकर उसे कत्ल करवाने का हुक्म दे देगी। जब वो ये बात अपने आदमियों से कर रही होगी तो नौशरवां गजनवी ये सब कुछ सुन लेगा, लेकिन नौशरवां गजनवी बगैर किसी सबूत के कश्माला पर हाथ डालकर उसे भागने का मौका नहीं देना चाहता, लिहाजा वो पहले सरफराज के पास पहुंचेगा। सलाना हमले में सरफराज बच जाएगा, लिहाजा वो सब कुछ नौशरवां गजनवी को बताने का फैसला कर लेगा। वो कश्माला के तमाम राज नौशरवां गजनवी के सामने खोल कर रख देगा कि किस तरह कश्माला ने उन दोनों की ज़िंदगी में जहर घोलने की कोशिश की, और नौशरवां और दुआ की ज़िंदगी में अब तक जो कुछ भी बुरा हुआ है वो तमाम कश्माला का किया हुआ है। जब नौशरवां गजनवी कश्माला से कन्फ्रंट करेगा तो वो उसे कहेगी कि मैं तुम्हारी मोहब्बत की खातिर किसी भी हद तक जाने को तैयार थी, लेकिन ना सिर्फ तुमने मेरी मोहब्बत को ठुकराया बल्कि उसके मुकाबले में दुआ को मेरे रूबरू ला खड़ा किया, लिहाजा मेरे पास सिवाय उसे रास्ते से हटाने के और कोई ऑप्शन मौजूद नहीं था जिसके लिए मैं किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। नौशरवां का बाप कश्माला से कहेगा कि अपने बेटे की मौत के बाद मैंने तुम्हें कई दफ़ा दूसरी शादी की इजाज़त दी, मैं जानता था कि नौशरवां तुम्हें खुश नहीं रख पा रहा, लिहाजा मैंने तुमसे कहा था कि तुम जब चाहो जिससे चाहो शादी करके इस घर से जा सकती हो, लेकिन तुमने खुद नौशरवां की ज़िंदगी में रहने का फैसला किया, लेकिन मुझे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि तुम हमारे ख़ानदान का नाम इस कदर बदनाम करोगी। नौशरवां दुआ से अपने तमाम किए हुए गलतियों की माफ़ी मांगने के लिए उसके घर जाएगा, लेकिन दुआ उसे माफ़ करने से इनकार कर देगी और कहेगी कि रिश्ते में सबसे ज़रूरी चीज़ एतबार होती है और आपको अपनी बीवी पर और उसके किरदार पर एतबार नहीं है, लिहाजा मैं आपके साथ अपनी बाकी की ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। कश्माला देखेगी कि नौशरवां गजनवी किसी सूरत भी उसका नहीं हो पा रहा तो वो दुआ को उसकी ज़िंदगी से निकालने का फैसला करेगी और उसे कत्ल करवाने का फैसला कर लेगी। दुआ पर कातलाना हमला करवाने के लिए जब वो आदमी भेजेगी तो नौशरवां गजनवी वो गोली खुद पर खा लेगा और दुआ की ज़िंदगी बचा लेगा, लिहाजा दुआ नौशरवां को माफ़ करने का फैसला कर लेगी। नौशरवां का बाप कश्माला से कहेगा कि पहले हमने तुम्हें इजाज़त दी थी कि तुम अपनी ज़िंदगी की खुशियां हासिल कर सको, लेकिन अब तुम्हारी सज़ा यही है कि तुम बाकी की तमाम ज़िंदगी इसी हवेली की दीवारों में कैद होकर गुजारोगी।